नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार ही न कर पाए। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है, उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। कई हम आपको बताते हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में जिससे एक नागा साधु को गुजरना पड़ता है। पहली बात है तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी कभी या कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता है। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। फिर आते हैं महापुरुष। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर, ये कह लीजिए कि शिव विष्णु शक्ति सुर और गणेश, इन्हें भस्म भगवा रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण। फिर अवधूत। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। यह पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। यह संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। फिर लिंग भंग। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहना होता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके दे देकर निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। फिर उनके पद और अधिकार क्या है। नागा साधुओं के कई पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उनके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकता है। धन्यवाद।